बैतूल जिले के ग्राम पंचायत बरहापुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने समस्या का हल नहीं करने पर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, इसके लिए बकायदा पंचनामा बनाकर हस्ताक्षर भी किए गए। हर साल गर्मी में पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीण पानी की समस्या हल नहीं किए जाने से नाराज हैं। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी इस समस्या से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि ग्राम बरहापुर में पानी के लिए लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद समस्या बढ़ती जा रही है। अब उन्हें मजबूरन चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लेना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व उनकी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। क्या समस्या? अभी समस्या यहाँ पे बहुत सारी है। पिछले 3 महीने से नल जल योजना पूरी तरह से ठप है और ग्राम पंचायत वालों ने न निजी बोर अधिग्रहण किया और न ही पंचायत पंचों की सहमति से जहाँ ट्यूबवेल करना था वहाँ नहीं करके अन्यत्र करके वहाँ ड्राए गए और जिस रेट से या रेशो से सैंक्शन हुआ था ट्यूबवेल खनन गहराई वह भी नहीं हो पाए और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और जो नल जल योजना के लिए राशि आवंटित हुई थी ग्राम भरापुर के लिए लगभग 12 लाख रुपए के आसपास, जिसमें से अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक मोटर आई है ट्यूबवेल की, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है। ग्राम भरापुर वाले लगभग 3 महीने से बहुत परेशान है। पानी के लिए लगभग 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और जो राशि थी अभी हमने पंचायत का खाता चेक किया उसमें मात्र 50,000 के आसपास राशि बाकी है। बाकी पूरी राशि निकाल ली गई और कहाँ खर्च की यह पंचों को भी ज्ञात नहीं है और न ही बताया गया है। हम ग्रामवासी तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि हम इस बार लोकसभा चुनाव का ग्राम पंचायत बरहापुर पूर्ण रूप से एकमत है और हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके पहले भी मैंने ग्राम पंचायत में अनियमितता के संबंध में आवेदन दिया था। कलेक्ट्रेट जाके इनके ऊपर उस पर जांच हुई थी। लगभग 12 लाख की रिकवरी निकली थी जिसपे सरपंच ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर अभी नियमित हो गया और अभी और ये भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि विशेष रूप से ध्यान नहीं देता ग्राम बरहापुर पे, इसलिए हम लोकसभा चुनाव का पूरे ग्रामवासी एकमत होके बहिष्कार करेंगे। कब बनी थी ये पुलिया भैया? ये अभी क्या बनी, 1-1.5 महीना पहले बनी और धस गई। कैसे टूट गई? कुछ अपने आप धस गई या कोई वजन ये था? बस ये गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर फैक्टर गर्म इससे हो गई वो। तो मतलब इसमें पंचायत की लापरवाही है ना? और नहीं तो क्या। अच्छा निर्माण नहीं, राख डाल दी और रेता मिट्टी डाल दी और क्या। माने सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया? सीमेंट का उपयोग करते तो फिर धसती काय को थी। जिले के पीएचई मंत्री ने सभी ब्लॉकों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गर्मी में पेयजल संकट जैसी स्थिति निर्मित न हो और लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर यथासंभव प्रयास किए जाएं, लेकिन ग्राम बरहापुर में यह आदेश केवल फाइलों तक सिमट कर रह गया। ग्रामीण दिन भर पानी के लिए भटक रहे हैं, उन्हें पीने का पानी तक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नल जल योजना है, संचालित है वर्तमान में। नल जल योजना के जो दो सोर्स हैं अपने, उसमें से एक सोर्स, दोनों सोर्स में वर्तमान में पानी कम हो गया है जी। और बरहापुर की आबादी 2442 है 2011 के सेंसस के अनुसार। बरहापुर में अभी वर्तमान में हैंडपंप के माध्यम से और नल जल योजना के माध्यम से स्पॉट्स पे पानी दिया जा रहा है जी। विलेज की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वर्तमान में बरहापुर में पेयजल की समस्या है। आज हमने टेक्निकल स्टाफ भी भेजा है हमारा हैंडपम्प्स के लिए कि अगर कोई आवश्यक सुधार हो सकता है तो उसमें सुधार करें और नवीन बोर खनन की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं सर। लेकिन ऐसा पता लगा कि वहाँ तो सर एक ही हैंडपम्प चल रहा है और एक ही नलकूप है। नहीं, आज हमने हमारा टीम भिजवाया है वो आज की स्थिति देखेगा और जो भी आवश्यक सुधार है वो करेगा, क्योंकि दिन ब दिन वाटर लेवल डाउन हो रहा है। हो सकता है कहीं हैंडपम्प में पानी कम आ रहा हो, तो जो भी आवश्यक सुधार है, पाइप बढ़ाना है, कहीं कुछ बदलना है, तो वो हमारा स्टाफ आज गया है, आज उसको सुधार करेगा आवश्यक। और नल जल योजना के लिए बोर्ड की भी कार्रवाई की जा रही है। हम वरिष्ठ कार्यालय से सूचना चर्चा कर रहे हैं, उसके उपरांत उनकी जानकारी नॉलेज मिलाते हैं।
ऐसा नहीं है, हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनको पानी उपलब्ध कराएंगे और जो यह तक प्रयास हो सकते हैं हमसे, हम वो प्रयास करेंगे, कहीं ऐसी चीजें ना होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। ग्राम पंचायत को नल जल योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 13 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन यह राशि भी पानी के नाम पर बर्बाद हो गई। परिणाम स्वरूप सरपंच सचिव द्वारा पेयजल व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि राशि का सही उपयोग किया जाता तो शायद पेयजल के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। भैंसदेही से बाबा सोलंकी की रिपोर्ट।